और तलब बात यह है कि अगर एक दफा किसी मौके पर औरतों को ले जाइए और वहां सूरत हाल बिगड़ जाए तो जब दूसरी मरतबा मर जाएंगे तो औरतों को मना करेंगे तुम न जाओ, खुदा जाने वहां क्या हो। अगर बद्र में औरतें आई भी होती तो उहद में नहीं आना चाहिए था। बद्र में तारीख लिखती औरतें नहीं थी, मगर तारीख लिखती उहद में औरतें आई, तो ये भी गौर कीजिए कैसे आई और क्यों आई। जबकि बद्र में शिकस्त खा के पलटे हैं तो उहद में क्यों आई। मुसलमानों के खतरे का एहसास इनको हो चुका है, बात अब औरतों क्यों लाए। तारीख के बाद इसका कोई जवाब नहीं है, मुझे नहीं मालूम क्यों है, मगर मैं अपने दिमाग से सोचता हूं एक बार कि अक्सर और बेहतर यह होता है कि बेगम साहिबा को यकीन ही नहीं आता। उनका ऐसा रुमाल लेते आना अमेरिका में मिलता है, हमने शिकागो न्यूयॉर्क ह्यूस्टन हर जगह ढूंढा नहीं मिला, पूरा पूरा दिन सर्व किया हर जगह नहीं मिला। जब वापस गए कहा तीन शहरों में ढूंढा है अमेरिका के कहीं नहीं मिला, कहा तुमने ढूंढा ही ना होगा। अरे हम तुम्हारी आदत से वाकिफ है, तुम गए ना होगे निकले ही ना होगे, भला अमेरिका में रुमाल ना मिले कोई अक्ल में आने वाली बात, तुम गए ना होगे, तुम हमारी बात की परवाह ही नहीं, अपने चक्करों में रहते हो। ये हर एक कदर से दिल है जो कर रहा हूं। तो मैं ये समझता हूं कि जो औरतें आईं इसका चक्कर यह है कि अबू सुफियान ने जाके ये बात बताई होगी कि लड़ाई हम इसलिए हार गए कि सबको अली न मारते। तो हिंदा जिसका पूरा खानदान मार डाला गया था उसको यकीन ही ना आ रहा होगा, भैया अकल में आने वाली बात ही नहीं है कि अली सबको मार डाले, तुम लड़े ही ना होगे, तुम लड़े ही ना होगे। अच्छा आपकी हम चल के देखते हैं कैसे अली सबको मार डाले। और तारीख बताती है कि जब लश्कर इस्लाम सवारा हुआ तो तलवार चलने से पहले यजीद की दादी अपने साथ की गाने वाली औरतों को लिए वे गाती बजाती दोनों लश्करों के दरमियान से गुजरी। गाती बजाती अपने दोनों लश्करों के दरमियान से हिंदा गुजरी जिसके गले में ढोल पड़ा हुआ था, आगे आगे गाती भी जा रही थी और उसके पीछे उसके खानदान की औरतें और उसकी चाहने वाली औरतें सब गाती बजाती उसकी आवाज में आवाज मिलाती भी जा रही थी। जो गीत इस कदर मोहमल है कि मैं मिंबर से सुना नहीं सकता। अगर आपको उसके बोल सुनना है तो हुसैनिया से बाहर कहीं मिलिएगा तो सुना दूंगा। पहला उसका शेर इस काबिल है कि सुना दिया जाए, वो सुनाई देता हूं। वो ढोल बजा रही थी और गा रही थी कि नहनो बनाते तारे नमशी अल्लाह नमारे, हम सितारे सहारी की बेटियां हैं, हम मखमल के फर्शों पर चलने वालियां हैं। इसके आगे के बोल नहीं सुना सकता। वो कह रही थी हम सितारे सहारी की बेटियां हैं और हम मखमल के फर्शों पर चलने वालियां हैं। मैं कहूंगा तुम्हारा नसीब ही फूटा हुआ है, बनी भी तो सितारे सहारी की बेटी जिसके नसीब में डूबना है।